If you like the video, please subscribe Gyan Vigyan channel and press the bell icon for getting all new notifications on your phones. चलिए तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं लेक्चर में, और अगर टाइम बचेगा तो हम वर्क के बाद भी जाएंगे। वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, उस चैप्टर को भी स्टार्ट करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जांपल। इसमें मैंने एग्जांपल लिख रखा है, ये देखिए। अ ब्लॉक ऑफ ग्लास इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, 25 सेंटीमीटर वाइड एंड हैज़ अ थिकनेस ऑफ 2 सेंटीमीटर। फाइंड द डेंसिटी इफ इट्स मास इज इतना। तो हमको निकालना क्या है, सबसे पहले हम वो देखेंगे। हमको निकालना है डेंसिटी, तो हम डेंसिटी निकालना है। हमको गिवन डेटा क्या क्या है, लेंथ दिया हुआ है ब्लॉक का 30 सेंटीमीटर, विड्थ दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 22 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, और मास भी दिया हुआ है। अब हमको क्या करना है, पहले तो सबसे पहले डेंसिटी निकालना है। तो अब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी डी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने ब्लॉक बोला है, ग्लास ब्लॉक है, उसका लेंथ ब्रेथ विड्थ दे दिया हमको। तो पहले तो हम देखेंगे सब इसमें है कि नहीं, SI यूनिट या CGS यूनिट, यूनिट देखेंगे पहले। ये CGS में है, ये SI में, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, SI में कन्वर्ट कर लेंगे। 30 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में करेंगे तो कितना होगा, 0.3 मीटर, 25 सेंटीमीटर को 0.25 मीटर, और इसको 2 सेंटीमीटर को 0.02 मीटर, ठीक है। और आपको पता है, आप कोई ब्लॉक का जो, अगर आपका ऐसा कोई ब्लॉक है, मान लीजिए ऐसा ब्लॉक है, तो इसका लेंथ ब्रेथ और विड्थ दिया हुआ है, ठीक है। ये आप लेंथ मान लीजिए, ये आपका विड्थ हो गया, ये आपका विड्थ हो गया, और ये आपका थिकनेस हो गया। ये आपका दिया है 30 सेंटीमीटर, ये 25 और ये 2 सेंटीमीटर, ये जो आपका थिकनेस होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम हमने क्या पढ़ा था, वॉल्यूम इज इक्वल टू, क्यूबॉइड है क्योंकि अलग अलग है, क्यूब नहीं है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मैंने पीछे फॉर्मूला भी दिया है। तो आप क्या करेंगे, मास, मास आपको 7.5 दिया हुआ है बाई वॉल्यूम करेंगे, तो वॉल्यूम लेंथ आपका कितना दिया है, मीटर में हमने कन्वर्ट कर लिया, 0.3 इंटू 0.25 इंटू 0.02, ठीक है, ये हो गया। अभी आप ऊपर पॉइंट जो आपको जो जैसा सुविधा हो वैसा कर लीजिए, जैसे इसको आप ऊपर लेके जाएंगे 1 2 3 4, तो 10^5, ठीक है, और इसको आप नीचे लेके आएंगे तो ये 10, ये कट गया, 4 बचेगा, ठीक है। तो अभी आप इसको काटेंगे, 10^3 75 कट गया, अब यहाँ पे 10 × 10^3/2, तो आपको ये मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, ये आपका कट गया। तो अभी आप क्या हो गया, 10^4 बचा, 10^4/2 बचेगा, तो इसको आप करो, 10 एक निकाल लो, 10^3/2 बचा, तो इसको काटोगे 5 बचेगा, 5 × 10^3, ये आपका डेंसिटी आया kg पर मीटर क्यूब, तो 5000 kg पर मीटर क्यूब, तो ये 5000 kg पर मीटर क्यूब आपका आंसर होगा, डेंसिटी निकल गई है। ये क्यूब का जो आपको डेंसिटी निकालनी थी, ये क्यूब का डेंसिटी है 5000 kg पर मीटर क्यूब का, ठीक है। और एक न्यूमेरिकल है, दूसरा न्यूमेरिकल की तरफ देखेंगे। दूसरा न्यूमेरिकल क्या है, मैंने लिखा है, तो देखते हैं न्यूमेरिकल क्या है। तो इसमें क्या दिया है, अ मास ऑफ 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सिल्वर, सेंटीमीटर क्यूब है मतलब, वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम दिया है आपको 10 सेंटीमीटर क्यूब सिल्वर का, और ये ग्राम, ग्राम किसका, मास का हो गया, मास भी दिया है आपको, मास 103 ग्राम। फाइंड द डेंसिटी ऑफ द सिल्वर इन केजी पर मीटर क्यूब दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे ग्राम और सेंटीमीटर या केजी पर मीटर क्यूब में दिया है, ठीक है। तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है, क्यूब है तो इसको क्या करना पड़ेगा, 10 डिवाइड बाई 100 × 100 × 100, ठीक है। और ये मास को आपको ग्राम को अगर करना है तो इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा केजी में, ठीक है। हमने दोनों का SI में कर लिया है। अब डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। तो आप लिखिए,
103 डिवाइड बाई 1000, ठीक है, होल डिवाइड बाई 10, ठीक है ना। तो आपको पता है ये ऊपर, अगर इसको हमको ऊपर भेजना है तो ये इधर आ जाएगा और ये नीचे चल जाएगा। कैसे करते हैं, तो 103,000 इंटू ये 10^6 हो गया डिवाइड बाई 10, ये ऊपर चला गया नीचे आ गया, ठीक है। तो ये 10^3 बचा, यहाँ काटेंगे तो 10^2 बचा, तो आपका कितना आंसर आ गया, 10300 केजी पर मीटर क्यूब, ये आपकी डेंसिटी आ गई, ठीक है। इसमें और एक चीज़ पूछा है कि डेंसिटी निकाल ली हमने, अब हमको हमसे क्या पूछा है, अब हमसे इसने पूछा है रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर स्टेट द एजम्पशन मेड इन द पार्ट बी, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर निकालनी है। तो ये हम कैसे निकालेंगे, हमको किसका डेंसिटी पता है, वाटर का डेंसिटी पता है, ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, रिलेटिव डेंसिटी का अगर आपको फार्मूला पता होगा तो मैं बता देता हूँ, पिछले क्लास हमने पढ़ा भी है। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, आर डी इज़ इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, हमको सिल्वर का डेंसिटी कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, हमको निकालना है। डेंसिटी दिया है, हाँ दिया है ना, इससे पहले हमने डेंसिटी ऑफ वाटर निकाला है, डेंसिटी ये हमने निकाला है। तो अभी आप क्या करोगे, डेंसिटी को यहाँ पे लिखो, डेंसिटी ऑफ सिल्वर आपको मिल गया, ठीक है, ये केजी पर मीटर क्यूब में है, तो हमारा जो वाटर का डेंसिटी वो केजी पर मीटर क्यूब में कितना है, 1000, ठीक है। तो हमारा रिलेटिव डेंसिटी कितना आ गया, 10.3, ये हमारा रिलेटिव डेंसिटी आ गया। रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता है क्योंकि दोनों तरफ डेंसिटी, अगर आप केजी पर मीटर क्यूब है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी केजी पर मीटर क्यूब है, दोनों तो एक दूसरे से कट जाएंगे ना, तो दे हैव नो यूनिट। सिमिलर कोई भी होता है उसका यूनिट नहीं होता है, ठीक है। अब हम और एक एग्जांपल लेंगे, ये एग्जांपल क्या बोल रहा है, मास ऑफ अ कॉपर पीस इज 44 ग्राम, मास दिया हुआ है आपको, तो पहले गिवन डेटा लिख लीजिए, मास इज इक्वल टू 44 ग्राम। अ मेजरिंग सिलेंडर कंटेन्स वाटर टू अ लेवल ऑफ 12 ml तक वाटर कंटेन कर रहा है, मतलब वॉल्यूम दे दिया है, मिलीलीटर में वॉल्यूम होता है 12 ml, ठीक है। द वाटर लेवल राइजेज टू 17 ml When the copper piece is dipped into it, मतलब ये बोल रहा है कि आपको जब कॉपर पीस को हमने उसमें डाला तो उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ के V2 जो हमारा V फाइनल है वो 17 ml हो गया, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कॉपर पीस, तो वॉल्यूम तो निकालना बहुत ईजी है कॉपर का, कैसे निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ कॉपर, पहला जो वॉल्यूम निकालना वो क्या करेंगे, V2 - V1, ठीक है। तो उससे हमारा क्या निकल जाएगा, कॉपर का वॉल्यूम निकल जाएगा ना, तो कॉपर का वॉल्यूम है आपका V2 मतलब 17 ml माइनस 12 ml, तो आपको कितना आ गया, 5 ml का वॉल्यूम आ गया कॉपर का, ठीक है। अब उन्होंने डेंसिटी ऑफ कॉपर भी बोला है, तो डेंसिटी का क्या फॉर्मूला है, डेंसिटी का फॉर्मूला है रो इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। मास उन्होंने कितना दिया है, 44 ग्राम, और ये 5 ml, ठीक है। और हमारा 1 ml इज इक्वल टू क्या होता है, 1 cm³ होता है, ठीक है, 1 ml इज इक्वल टू 1 cm³ होता है, ठीक है। तो हम इससे हमको क्या मिल गया, 44 ग्राम बाई 5 cm³ का, ठीक है। तो अगर हम इसको काटते हैं मतलब रिड्यूस करते हैं तो कितना आएगा, डेंसिटी इज इक्वल टू 8.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये हमारे कॉपर की डेंसिटी आ गई, ठीक। अब हम और एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें जो क्वेश्चन है देखिए लिखा हुआ है, मास ऑफ अ डेंसिटी बॉटल का क्वेश्चन है,
इज 35 ग्राम व्हेन एम्प्टी, मतलब M1 दिया हुआ है ठीक है, जब ये खाली है तो उसका, जब ये खाली दिया है तो उसका कितना दिया है, एम्प्टी बॉटल मतलब M1 दिया हुआ है, तो मास M1, मास ऑफ एम्प्टी बॉटल कितना दिया, 35 ग्राम। 65 ग्राम व्हेन फिल्ड विथ वाटर, अगर वाटर के साथ है मास तो वाटर के साथ फिल्ड किया तो इसका मास 65 ग्राम हो गया, एंड व्हेन फिल्ड विथ एल्कोहल इसका ग्राम हो गया आपका, मास 3 दिया हुआ है 59 ग्राम। तो फाइंड द रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी निकालने बोला गया ठीक है, तो आपको पता है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एल्कोहल, आपको एक चीज पता है, हमने पीछे ही पढ़ा है कि अगर सेम वॉल्यूम का अगर हम लेते हैं तो हम मास ऑफ लिक्विड बाय मास ऑफ वाटर करेंगे तो उसका डेंसिटी आ जाएगा, अगर दोनों का वॉल्यूम अगर हम सेम वॉल्यूम का लेते हैं ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, इन्होंने वॉल्यूम सेम ही लिया है तो इन क्या बोला है, डेंसिटी बॉटल है क्योंकि डेंसिटी बॉटल की जो वॉल्यूम होती है वो हमेशा सेम होती है, 50 ml का तो 50 ml ही होगा ठीक है, तो ये वॉल्यूम सेम है तो हम इसमें मास से कर सकते हैं, मास ऑफ लिक्विड बाय मास ऑफ वाटर, पीछे मैंने एक्सप्लेन भी किया है इसको, आप एक बार देख लीजिए अगर समझ नहीं आ रहा हो तो। तो हमारा क्या है, पहले आप देखिए मास ऑफ वाटर निकालिए, मास ऑफ वाटर कैसे निकलेगा, M2 माइनस M1 करेंगे तो, क्योंकि ये एम्प्टी बॉटल है और ये बॉटल विथ वाटर है, तो ये दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा कितना निकल जाएगा, मास ऑफ वाटर जो हमारा 30 ग्राम आएगा ठीक है, और मास ऑफ लिक्विड निकालना है तो मास ऑफ लिक्विड कैसे निकालेंगे, मास ऑफ लिक्विड, लिक्विड का और बॉटल का दोनों मिला के 59 ग्राम दिया हुआ है, तो M3 माइनस एम्प्टी बॉटल का ये हमारा कितना निकल जाएगा, 59 माइनस 35 24 ठीक है। तो यहाँ पे मास ऑफ लिक्विड क्या होगा, M3 माइनस M1 बाय M2 माइनस M1 इज इक्वल टू 24 बाय 30 ठीक है, इसको रिड्यूस किया मैंने, रिड्यूस करके हमारा जो आंसर आएगा 0.8, तो इसका मतलब क्या है, रिलेटिव डेंसिटी 0.8 है ठीक है। तो हमने ये आज न्यूमेरिकल तो सारा ख़त्म कर लिया है, तो आपको अगर समझ नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं समझाने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एनर्जी के बारे में, एनर्जी वर्क। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक्स कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, कुछ जानने मिला हो तो थैंक यू।